अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे, कीमा पकाना है हमने फॉर द लेबनीज मिन्स पुलाव। अच्छा, जो शीरा था वो मैंने यहाँ उतार दिया है, ठीक है, जाली पे रख लीजिएगा। आप इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट। चॉप की हुई प्याज डाल दीजिए पहले, फिर लहसुन, और इसको अच्छी तरह पकने दीजिए। नाउ आई गॉट स्पाइसेस हियर, ठीक है, इसको कहते हैं लेबनीज सेवन स्पाइसेस या बहारत, ये नाम है इसके सेवन स्पाइसेस का। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा कुछ लेके एक तरफ रख लीजिएगा, एक डब्बा बना लीजिएगा और फिर इस्तेमाल करिएगा। काली मिर्चें कुटी हुई हैं, गरम मसाला पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, लौंग का पाउडर है, धनिया पिसा हुआ है, ज़ीरा पिसा हुआ है, जायफल है, ये सारी चीज़ें सेवन हो गई ना, सारी चीज़ों को आपने यहाँ रख के मिक्स कर देना है। और इस्तेमाल के वक्त एक टीस्पून जितना आपने इस्तेमाल करना है, और फिर इसी को ऊपर से आप स्प्रिंकल भी करेंगे, ठीक है। सो घबराइएगा नहीं कि लेबनीज सेवन स्पाइस क्या है, हमारे घर नहीं मिलता है, हमारे शहर में नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके इस्तेमाल करनी है, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, धनिया, ज़ीरा, जायफल, सात चीज़ें हो गई। चावल को भिगो के रख दीजिएगा, और गोश्त का जो भी आप कीमा यूज़ करना चाहें, मीन्स मटन का हो, बीफ का हो, मैंने बीफ का कीमा लिया है, ठीक है, आप मटन का ले लें। इसमें हम मटर डालेंगे, ऊपर से हम बादाम डालेंगे, पार्सली या धनिया जाएगा। सो सबसे पहले ये ब्राउन प्याज हमने कर ली है, लहसुन डालना है, और इसके बाद इसको अच्छी तरह कीमे को भूनना है। आई होप आप लोग मेरे फिलर्स भी देख रहे हैं, यम यम यमी के नाम से जो आ रहे हैं मसाला टीवी पे, इन बिटवीन डिफरेंट शोज़। उसमें मैंने बहुत मेहनत करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आप देख रहे हैं, आप बनाएंगे ज़रूर, ट्राई करिएगा। इसके साथ साथ हायर का शो भी मेरा आ रहा है, टाइम मुझे नहीं पता, सॉरी कौन से दिन आ रहा है और टाइम, लेकिन बार बार वो चेंज क्योंकि हुआ है, लेकिन हायर का शो भी मेरा आ रहा है। जस्ट बिकॉज आप मुझे मंडे टू फ्राइडे अब नहीं देख रहे, तो आप दूसरे शोज़ में मुझे फिर भी देख सकते हैं, ओके okay? अच्छा जी, यहाँ केक हमारा बेक हो रहा है, हमारा शीरा रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा शीरे को गाढ़ा नहीं कर दीजिएगा, वरना इसमें अंदर जज़ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर पतला होगा तो आप दोबारा चूल्हे पर रख सकते हैं, एक दफ़ा पहले आपने गाढ़ा कर दिया एकदम ज़्यादा, फिर क्या करेंगे आप। प्याज को बहुत अच्छी तरह आपने ब्राउन करना है, तो ही फिर वो अच्छा सा रंग आएगा पुलाव में। आप इसको बना के चावल के साथ लेयर करके ओवन में भी रख सकते हैं, ठीक है, यह हम तो चूल्हे पे बनाएंगे पुलाव तो। एंड इट इज़ नॉट अ पुलाव जैसे हम उसको कहते हैं, इट इज़ अ डिफरेंट रेसिपी, बट इट इज़ इट हैज़ गॉट अ लेबनीज टच, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा सा सुनहरा हो गया, तो आप इसमें लहसुन शामिल करिए, और फिर आप उसको भूनिए, फिर आप उसमें कीमा डाल दीजिए। कीमे में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्लीज़ निकाल दीजिएगा। ये जो मसाले हैं ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें से सिर्फ एक टीस्पून इस्तेमाल करना है, तो ज़्यादा मिक्स करके क्यों हम ज़ाया करें। सात चीज़ें हैं, सात चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बनाइएगा इसी तरह, ट्राई करिएगा। कीमे को हमेशा इस तरह तोड़ते रहते हैं, इसके क्लम्प्स कभी भी ना हो, लाल लाल अंदर से ना हो, ठीक है। ये जो खाने होते हैं लेबनीज वगैरह, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, आपने देखा इसमें लाल मिर्चें नहीं हैं, हर खाने में लाल मिर्च नहीं डालें। बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, कोई भी कीमा ले लें।
अच्छा जी, कीमा, प्याज, लहसुन, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको पकाते रहना है। जब हो जाए तो आपने उसमें सीजनिंग चेक करनी है, जो कि मैंने अंदर नमक नहीं डाला है, सो मैं भूल जाती हूँ ना हमेशा, फिर नमक डालना पहले ही डाल देते हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल देते हैं और नमक। ठीक है जी, ये भी हो गया। और क्या जाएगा इसमें से? दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इसी कीमे के अंदर आप चावल डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, पार्सली, नमक, काली मिर्चें और ये वाला जो सीजनिंग का ये जो पाउडर है, ये मिक्स है ये, ठीक है, ये आपको भी कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मिक्स दिस टुगेदर। थोड़ा सा हम कीमे में डालेंगे ऐसे करके, बकिया हम चावल बनाएंगे तब जाएगा। जब कीमा पूरा सूख जाए, मेक श्योर कि कच्चा ना रहे, थोड़ा सा हमने पानी इसमें डालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चावलों में से पानी निथार देंगे। मटर है, मटर मेरे बॉइल्ड हैं, कच्चे नहीं हैं, एक दफ़ा बॉइल्ड है मटर। चावलों में से पानी निकाल के मैं डाल दूँगी इसमें, तो चावलों के ऊपर ये मसाला डालेंगे। आप अलग से भी चावल को पका सकते हैं, लेकिन पुलाव में नॉर्मली साथ ही पकता है। ठीक है, ये देखें पानी सूख जाए तो फिर आप पानी इसमें से निकाल दें, चावल में से, फिर आप उसमें डालिए। फिर ढक्कन ढाँक के इसको कम आंच पे छोड़ दीजिए, सिमर करिए और ये चावल नो टाइम पक जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर देखें अच्छी तरह चावल हमारे हो रहे हैं, मटर डाल देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा धनिया या पार्सली और थोड़ा सा ऊपर बाद में डालने के लिए। इसको हल्की आंच पे, मैंने नीचे तवा भी रखा हुआ है, इसको होने दीजिए। ठीक है, फिर इसको मिक्स करके निकालेंगे प्लेटर पे और ये बादाम ऊपर से छिड़क के, पार्सली या धनिया डाल के फिर सर्व करेंगे। हमारे चावल हुए कि नहीं, बिल्कुल, मैं हमेशा नीचे तवा रख देती हूँ ताकि नीचे से लगे ना। अब इसको ज़रा मिक्सिंग करते हैं हम, देखें इसी की भाप में पक जाता है। ये देखें, देखा आपने, थोड़ी सी कसर बाकी है चावल में, आई कैन मेक आउट। अच्छा जी, फिर मैं इसको वापस ढांक देती हूँ इसी के स्टीम में, ये पकता रहे। चावल को निकाल के प्रेस करिएगा। बहुत सारे लोग पुलाव बनाते हैं तो वो एकदम से खिचड़ी मैश चावल बन जाते हैं, इसलिए कि वो पानी बहुत डाल देते हैं। सो पानी नहीं डालिएगा, पानी नहीं डालिएगा, पानी छिड़क दीजिएगा थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, नहीं डाल दीजिएगा।